फियर इज ओनली स्किन डीप। जैसे खुश होना एक फीलिंग है, वैसे ही डर लगना भी केवल एक फीलिंग है। मुझे डर लगता है, आपको भी डर लगता होगा, एवरीबडी फील्स इट। लाइफ में कुछ मोमेंट्स आते हैं जब आप डर जाते हो, आपको लगता है कि आप वो काम नहीं कर पाओगे। यू फील लाइक यू कैन नॉट डू इट, यू आर स्टक इन योर सेल्फ। लास्ट वीकेंड आई डिड अ ट्रिप टू ऋषिकेश विद माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर। वी फेस्ड आर फियर्स एंड लिव्ड इन दैट मोमेंट। बाई लिविंग इन दैट मोमेंट एंड ओवरकमिंग आर फियर्स, वी फेल्ट एक्सट्रीम हैप्पीनेस। What is up YouTube? My name is Shakti and you are watching Traveling Mondays. Today I am in Rishikesh right now. और मैं ऋषिकेश पहुंचा हूं आज सुबह ही। सो इस व्लॉग के अंदर बहुत मजा आने वाला है। वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर सम एडवेंचर्स ऑफ ऋषिकेश। आप लोगों को इस वीडियो का एंड तक देखना है। हम लोगों को यहाँ पे तीन चीजें करनी है। पहला हमें चिल करना है, दूसरा हमें एक अमेजिंग एपिक ट्रैवल फिल्म बनानी है, और तीसरा मुझे नहीं पता। इस जगह की बेस्ट चीज पता है क्या है? कैन यू हियर दिस ब्यूटिफुल एम्बियट साउंड? चिड़िया और नदी के पानी की आवाज़, यू कैन सी। और इसके बिल्कुल सामने हमारा कैंप है वहाँ पर, और उसके जस्ट नीचे रिवर है। तो यार दिस इज़ सो अमेजिंग। मैं आपको सबसे पहले जाकर अपने कैंप्स दिखाने वाला हूँ शाम को। उससे पहले अभी हम लोग लंच करेंगे और उसके बाद हम लोग निकलेंगे राफ्टिंग के लिए। आई एम हियर विथ माई फ्रेंड्स एंड माई सिस्टर। सो गाइस कीप एंजॉयिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन दिस एपिक जर्नी। Our friends, so here they are. Asta. What's up, Eva? I'm back. She is Iti. Hello. She is my sister. Hello, people. Hey, guys. And he is Ashish. She is Utra. Hi. How are you? I'm good. 10-15 मिनट में हम राफ्टिंग शुरू करने वाले, तो यहाँ पर हम अपनी कार पार्क कर रहे हैं और हम दूसरी कार के अंदर ट्रांसफर होकर हम लोग जाकर राफ्टिंग करेंगे। So we are so much excited. Yeah! और यार अंदर जाकर के कैमरा इज नॉट अलाउड बिकॉज वहाँ पे कैमरा का रिस्क है और कैमरा बहुत एक्सपेंसिव है। So I think I'm going to drop my camera over here और वहाँ पर जाकर I'm going to shoot from the GoPro. We are at the location of rafting. अभी हम लोगों को मिले हमारे सारे jackets और gloves. मेरा camera वहीं पर रह गया तो मैं GoPro से फोटो shoot कर रहा हूँ। अब जल्दी से अपने jackets डालते हैं and start this thing going. आपको क्या करना है? बोट से हाथ पांव मारना है, उससे बोट से बाहर आना, या फिर राइट साइड आने के लिए बोलूंगा तो राइट साइड आना, बोलेन पकड़ने के लिए बोलूंगा तो बोलेन। ओके, और कोई भी डरेगा नहीं, ठीक है ना? बिल्कुल डरेंगे, नीचे गिरते ही भैया बचाओ बचाओ, आराम से रिलैक्स रिलैक्स। हेलो हेलो हेलो, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। चले भैया मैया की जय। हम लोगों ने अपना हाफ अभी शायद कंप्लीट कर लिया है और ये भैया हमें कमांड्स दे रहे हैं। And everybody is doing so good and pumped up. You can see this scene, the valley and mountains and us doing this amazing adventure. Okay, go go go, quick quick. Paddle forward. So guys, कैसा लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों को amazing, amazing. Please roller coaster. कूदना नहीं है। इसमें कूदना? क्या नाम है आपका? रोशन। रोशन, और अपने इस कंपनी का जो ग्रुप करवाता है? Call of Adventure. Adventure, guys, do come and do this adventure. This is such a lifelong memory. Okay, stop. Drop your pedal quickly.
जिंदगी एक किताब है। जिंदगी मानो तो बहुत खास है, जिंदगी नहीं माना इसीलिए उदास है। जिंदगी कभी किताब के पन्ने पर किसी और की है ये, लेकिन अगला पन्ना पलटा तो मेरे ही पास है। जिंदगी लगता है जैसे कोई खेल खेल रही हो मेरे भोले भाले मन से, कभी रुलाती है कभी डराती है कभी अपनों से दूर कराती है, और पन्ना पलटा तो फिर से बहुत हंसाती है, और किसी पराए को ही तो अपना बनाती है जिंदगी। बस आज एक बात दिल को समझानी है, जैसे आज डर को जीता है मैंने वैसे जिंदगी के हर डर को जीत जाना है मुझे, क्योंकि चाहे जितना दूर चली जाऊं मैं इस भाग दौड़ में खुद के ही तो पास लौट आना है मुझे। और फिर सुबह जब आंख खुले किसी ऐसे खूबसूरत लम्हे में तो मैं खुद को कह सकूं महसूस किया है मैंने तुम भी करो ना। जिंदगी की इस किताब के पन्ने पलटते रहेंगे, थोड़ा तो रुको ना, केवल ये पन्ना है कागज का ऐसे तुम डरो ना। थोड़ा इंतजार करो, सबको खुल के प्यार करो, जिसे प्यार करो खुल के इजहार करो, कभी डर लगे तो कस के गले लगा लो अपनों को, जो भी करो दिल से करो, और जब आए ये खूबसूरत लम्हा तो आजाद पंछी की तरह खुद को महसूस करके खुद से प्यार करो। कुछ भी कहो, वाह क्या खूबसूरत किताब है जिंदगी। ऊपर एक जबरदस्त बड़ा पुल, पुल के नीचे नदी, और नदी में बैठे अपन लोग, तीन जवान बैठे पानी में। अभी तो ऐसा लग रहा है कोई रेस चल रही हो यहाँ पर, राफ्टिंग वाली। यार अभी हम लोग जाके क्लिफ जंपिंग करने वाले हैं, और हम लोग जंप करने वाले हैं वहाँ से नीचे। इट इज माई फियर, बिगेस्ट फियर टू गो इन वॉटर लाइक दिस, बट आई एम डूइंग दिस फॉर यू एंड मी, लेट्स डू इट। हाय गाइस, माय नेम इज शक्ति एंड यू आर वाचिंग चार्मिंग मंडेज। फियर इज ओनली स्किन डीप। Fear is only skin deep. So I am on land after like 1 hour. So before speaking to you again, let's do it again. What is up everybody, my name is Shakti and you're watching Traveling Monday. This was an amazing day. और अभी sunset हो चुका है और हम लोगों ने complete कर लिया हमारी rafting, और बहुत ही ज़्यादा amazing experience था। मैं सब लोगों को suggest करूँगा कि आप ऋषिकेश में आओ, rafting experience लो। हम लोगों ने शायद 4 बजे शुरू किया होता था, अभी 6:40 हो रहे हैं, तो शायद ये 2-2.25 घंटे का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत सारी अमेजिंग एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। तो यार बहुत मज़ा आया। अभी आप देख सकते हो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर अभी वापस आ रहे हैं, और मज़ा आ गया। तो अभी जाकर हम लोग वील ट्राई टू कैच द आरती, अगर हम कैच कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इट इज़ अ डे वन गोइंग टू एंड। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एंड स्टे ट्यून्ड। What is up everybody, this is another day, और अभी बजे हैं सुबह के 10:30, और हम लोग तैयार हो चुके हैं। मेरे शूज़ कल रात को गीले हो गए थे और अब ये सूख गए हैं थोड़े धूप में। वैसे आई बॉट दिस शूज़ फ्रॉम डीकैथलॉन एंड दिस इज़ सच अ गुड शू, आई बॉट इट इन 800 रुपीज़। 800 रुपये में मैंने शूज़ लिए हैं, बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छे हैं ट्रैकिंग के लिए। आई सजेस्ट यू गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू डू ट्रैकिंग यू शुड बाई इट फ्रॉम डीकैथलॉन। आई बॉट दिस बैग फ्रॉम डीकैथलॉन इन जस्ट 500 रुपीज़। यू कैन सी दिस इज सो मच बैग, यू कैन कैरी गुड मच ऑफ क्लोथ्स, और 20 लीटर है शायद ये बैग, और केवल 500 रुपये का है, और ये पूरा फोल्ड होकर इतना छोटा सा हो जाता है, विच इज़ द कूलेस्ट पार्ट। तो दिस इज सम ट्रैवल टिप्स, और बहुत मज़ा आया कल,
और अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया है, बाकी लोग चेंज कर रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, और बाकी मैं आपको थोड़ा यहाँ का टेंट टूर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारे टेंट्स हैं मेरे पीछे और दे आर लाइक दिस, जैसे टेंट है, और अंदर इसके ये बेडिंग्स हैं, 3 beds हैं, और पर पर्सन यहाँ पर कॉस्ट रहती है। इस वाले टेंट की जो कॉस्ट है वो है आई थिंक जस्ट 1300 rupees, जिसके अंदर ये टेंट मिलेगा आपको एक बंदे के लिए, और यहाँ पे उसके लिए मील्स भी है, 3 meals हैं, और बॉनफायर होता है, और साथ में जो आपने वीडियो देखी राफ्टिंग की वो भी यहाँ पे होती है। तो यार, तो आई सजेस्ट यू गाइस कमिंग टू दिस प्लेस, एक अच्छी जगह है और व्यू तो बहुत अमेजिंग है यहाँ पे। चारों तरफ पहाड़ है, वैली है, और उसके साथ में यहाँ पे पीछे की तरफ एक नदी भी है। तो आई सजेस्ट यू गाइस, स्ट्रांगली सजेस्ट यू गाइस। और कल रात को हम लोग बैठ के वहाँ पे चिल मार रहे थे और बहुत मज़े किए, मैंने बहुत सारे फायर फ्लाइज पकड़े। यू वांट टू सी दोस पिक्चर्स? ऑलराइट, सी देम। और यार, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं अबाउट माय ड्रोन, अबाउट माय एडिटिंग एंड व्हाट आई डू, और हाउ डू आई अर्न मनी एंड हाउ डू आई ट्रैवल सो मच। सून वी आर मे डूइंग Q&A वीडियो, इस वाली वीडियो के जस्ट बाद हम Q&A वीडियो करेंगे। तो जितने सवाल आप पूछना चाहते हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रखिए, और मैं सब सारे क्वेश्चंस की कैटेगरी बनाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चंस की कैटेगरीज का आंसर दूंगा। तो यार, अगली वीडियो Q&A आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन एंड गेट द नोटिफिकेशन फॉर ऑल माई वीडियोज। और बाकी बहुत मज़ा आ रहा है, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पर मैं डेली फीड डालता हूँ कि मैं आज कहाँ जा रहा हूँ, यू गेट टू नो कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, अभी कहाँ जाने वाला हूँ। और तो यार, आप लोगों ने हमारा स्टे तो देख लिया है जिस कैंप साइट में हम लोग रुके हुए, लेकिन आई थिंक यू गाइज आर वेटिंग फॉर समथिंग। आर यू गाइज वेटिंग फॉर दिस? चेक इट आउट। That you're curious, I know that you're strong, but life can be furious and things can go wrong. You go, you go, we're better off tomorrow, but who knows. तो गाइस, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा कम्युनिटी टैब आने वाला है, दैट मींस वी आर गोइंग टू हिट 10,000 सब्सक्राइबर्स सून, सो आई एम सो मच एक्साइटेड टू टॉक टू यू एवरी डे ऑन कम्युनिटी टैब। बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव ऑलवेज, एंड यू नो आप इतने सारे, इतने अच्छे और इतने बड़े कमेंट्स करते हो कि मुझे समझ नहीं आता कैसे रिप्लाई करना है। टू रिप्लाई ऑल दोज कमेंट्स, आई थिंक ओनली अपॉर्चुनिटी आई हैव इज टू मेक अमेजिंग वीडियोस, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। लाइक दिस वीडियो, कमेंट एंड शेयर, हम अपनी जान पे खेल के ये वीडियो बना रहे हैं। इफ इट गेट्स 1000 लाइक्स देन भैया विल ब्रिंग मी हियर अगेन। ऐसा किसने बोला? Yes, if this video gets 1000 likes, then Deepshika, my sister, will again get to another trip. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end, the end, the end. Don't say you're ridiculous, you're not even close. Don't wish for indifference. So guys, अभी हम लोग वापस घर जा रहे हैं और गंगा किनारे बैठे हैं। Hi everyone, ऋषिकेश का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही ज़्यादा सही था। सबसे पहली बात, मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था हाइट से, तो मैंने अपने इस फियर को ओवरकम किया। 2 बार मैंने क्लिफ जंप किया, क्योंकि एक बार शक्ति वीडियो बनाना भूल गया था, तो वीडियो के लिए मैं दोबारा से कूद गई। So it was a really, really, really great experience. My only condition was कि self drive करके जाएंगे, और यहाँ पे मैंने इतनी गाड़ी चलाई, मेरे लिए डिफरेंट एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने कभी माउंटेन ड्राइव नहीं किया, कभी बारिश पड़ते में ड्राइव नहीं किया। मैंने अपने मम्मी को फ़ोन करके बताया कि मम्मी मैंने इतनी गाड़ी चलाई, एंड देन हर रिप्लाई वॉज होर नहीं किसी ने गाड़ी चलानी आती, एंड आई वॉज लाइक मॉम नहीं, मुझे गाड़ी चलानी थी इसलिए मैंने चलाई इतनी सारी, और मुझे बहुत मज़ा आया। व्हाट डू यू सजेस्ट, लाइक स्टेइंग इन अ होटल और स्टेइंग इन अ कैंप? नो, यू शुड स्टे इन अ कैंप। ऋषिकेश का एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था, और रिवर राफ्टिंग की हम लोगों ने, और क्लिफ जंपिंग आई वुड सजेस्ट, अगर आप लोग ऋषिकेश जा रहे हो तो गाइज उसको बोल देना मुझे धक्का दे दो, इट इज अ वर्थ डूइंग एक्सपीरियंस। मैंने रियलाइज किया कि डर कुछ भी नहीं होता है, वो बस एक स्टेप आगे होता है जिसको आपको बस जाके खत्म करना होता है। लाइफ में कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि हाँ,
ये लाइफ है. एंड जब मैं पानी में कूदी, पहले जब मैं कूदने वाली थी तो इट वाज लाइक कि हाँ कुछ नहीं है, राफ्टिंग तो सब लोग ही करते हैं, हम भी पानी में कूदेंगे, मजे करेंगे. बट मेरे पूरे लंग्स में पानी भर गया था. बट स्टिल उसके बाद भी मैंने क्लिफ जंप किया. यार अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट लाइक एंड कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ट्रैवलिंग मंडे. लाइक कमेंट सब्सक्राइब 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 बहुत बढ़िया.